सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। तो लास्ट स्लाइड में फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि मेजर टू प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या क्या होती हैं। तो हमने इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेविंग, तो ये भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोमेस्टिक सेविंग्स हो गया, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, रूरल सेविंग्स, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डायरेक्ट टैक्सेस के रोल हमने डिस्कस कर लिए, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, टैक्सेस ऑन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी हमने डिस्कस करा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हमने देखा। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ मेजर्स जो है जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन को जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो ये है सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, PSU, तो जो गवर्नमेंट के अंडर जितने भी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर जो भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अंडर, तो अगर वहाँ पे सरप्लस अगर हमें देखने को मिलता है, दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि कैपिटल फॉर्मेशन की जो स्पीड है वो फास्ट होगी, राइट। क्योंकि हम देखते हैं कि सरकारी काम जो है वो इतने जल्दी होते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी तरीके से अगर पब्लिक सेक्टर्स में अगर हमें प्रोग्रेस देखने को मिलता है, दैट मींस कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो हो रहा है, राइट। पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर्स बैंक हो गए, राइट, सरकारी बैंक्स हो गए, देन रेलवेज हो गया, राइट। तो इस तरीके के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, तो अगर वहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि कैपिटल फॉर्मेशन आपका होगा। तो अगर किसी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन करना है, तो वहाँ पे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उसमें आपको सरप्लस देखने को मिलना चाहिए, राइट। रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो जितने भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं आप उसमें कमी कर दीजिए। अब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली होते क्या हैं, आप डिफेंस पे बहुत अधिक पैसा जो है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, आप मिसाइल्स बना रहे हो, राइट, आप मिसाइल्स बना रहे हो, आप टैंक खरीद रहे हो, एंड देन आप गन्स खरीद रहे हो, तो राइट, तो वॉर इक्विपमेंट्स खरीदना, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना, इसे हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि इससे किसी का भला तो होना नहीं है एट दी एंड, लेकिन स्टिल सिचुएशन ऐसी है, हमें डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा। अगर खर्चा नहीं करोगे फिर अगले दिन पता लगेगा पाकिस्तान ने आप पे अटैक कर दिया और आपके पास कुछ है नहीं और आप गुलाम बना लिए गए। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जिसे अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है, करना पड़ेगा। बट अगर सभी कंट्रीज मिलके अगर ये डिसाइड कर लें कि हमने जो है जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है उसे हमने कम कर देना है, और बजाय नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करें, तो ये दोनों देशों के हित में होगा, राइट। तो रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी है, अगर आप करते हो तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो होगी, राइट। देन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, तो देखिए इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम जो है ये भी बतलाता है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो आपकी है कंट्री में वो हो रही है, राइट। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इट इज़ इम्पेरेटिव दैट पर कैपिटा इनकम शुड बी राइज। अब पर कैपिटा इनकम कब बढ़ेगा, जब आपका कब बढ़ेगा, जब नेशनल इनकम जो है आपकी वो इंक्रीमेंट होगी, राइट। तो इसके लिए होगा क्या, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए कई मेजर्स हो सकते हैं, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए कई मेजर्स हो सकते हैं, जैसे जो बर्थ रेट है आप उसको कंट्रोल करो, राइट, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं उसको जो है आप किसी तरीके से एक्सपांड करो, राइट, इंडस्ट्री सेक्टर्स जो हैं आप उसको डेवलप कीजिए, एग्रीकल्चर में जो है और अधिक जो है बर्डन आप मत डालिए, ठीक है। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम भी कहता है, बतलाता है, अगर इन पर कैपिटा इनकम इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट मीन्स की कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। प्राइस स्टेबिलिटी, अगर किसी कंट्री में जो है प्राइस स्टेबिलिटी है, प्राइस जो है स्टेबल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो प्राइसेस जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर प्राइस स्टेबल है किसी कंट्री का, दैट मीन्स कि जो लोग जो हैं वो चीज़ें जब कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि पैसा जो है उनके पास बच रहा है, वो सेव कर रहे हैं। अब जब सेविंग होती है तो इन्वेस्टमेंट कराया जाता है, और इन्वेस्टमेंट का ही नाम तो कैपिटल फॉर्मेशन है, राइट। तो प्राइस स्टेबिलिटी भी बतलाता है कि किसी कंट्री में जो है कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। लेस कंस्ट्रेंट टू प्रोडक्शन, अब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें कोई मुश्किलें तो नहीं आ रही हैं, अगर कोई मुश्किलें हैं कौन से बाधाएँ आ सकती हैं प्रोडक्शन के समय, इलेक्ट्रिसिटी, क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिल रही है, क्या आपको कोल मिल रहा है, आपको रॉ मटेरियल्स प्रॉपर मिल रहे हैं, इन आपको क्या एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल रहे हैं। तो अगर ये सभी चीज़ें मिल रही हैं प्रॉपर तरीके से, दैट मींस कि वहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन जो है उस कंट्री में हमें देखने को मिल रही है, राइट। तो कैपिटल फॉर्मेशन हमने करना है, कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है उसे जो स्पीड उसकी है वो हमने तेज करनी है। उसके लिए 11th पॉइंट जो दे रखा है कि लिबरल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट,
तो गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी है जो काफ़ी लिबरल होनी चाहिए, काफ़ी उदारवादी होनी चाहिए, ना कि कंजर्वेटिव होनी चाहिए, राइट। कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इतनी लिबरल होनी चाहिए, सब कुछ लिबरल होना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम लिबरल होना चाहिए, पॉलिटिकल एंड सोशल जितने भी अथॉरिटीज़ जो हैं वहाँ पे जो उनके व्यूज़ जो हैं वो लिबरल्स होने चाहिए, राइट। द गवर्नमेंट शुड हैव अ लिबरल क्रेडिट एंड फिस्कल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। तो फिस्कल पॉलिसी हमने फ्रेंड्स देखा है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली कौन सी पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, राइट। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में क्या कर सकती है, जो सब्सिडीज़ जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, राइट। सब्सिडीज़ बढ़ा देगी वो, एंड टैक्सेशन जो है वो कम कर देगी, राइट। तो अगर इस तरीके के अगर कोई गवर्नमेंट जो है स्टेप लेती है, सोशल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा देगी, तो इस तरीके की जो पॉलिसी होती है ये गवर्नमेंट बनाती है, इसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसीज़। तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो काफ़ी उदारवादी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो आपकी हैं ये भी काफ़ी लिबरल होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है, दैट मीन्स कि उस कैपिटल फॉर्मेशन उस कंट्री में हो रही है। फिर हम देखेंगे रिडक्शन इन कंजम्पशन। तो देखिए रिडक्शन इन कंजम्पशन जो है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन इन एनी पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर देखिए आप इनकम तो है आपकी बहुत अधिक है, मान लीजिए इनकम में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, लेकिन इनकम के बढ़ने के साथ जो कंजम्पशन है अगर वो भी आप बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा रहे हो तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है, इनकम बढ़नी चाहिए, इसे जो आपकी नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, पर कैपिटा इनकम जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जो जो आपकी इनकम है अगर आप सारा का सारा कंज्यूम कर लोगे फिर कैपिटल फॉर्मेशन थोड़ी ना होगी। तो अगर इनकम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो जो कंजम्पशन है उसमें आप इंक्रीमेंट कीजिए, लेकिन इतना मत कीजिए कि जो कुछ सेव ही ना कर पाओ आप, राइट। तो रिडक्शन इन कंजम्पशन जो है ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस में, राइट। इंक्रीज इन फॉरेन सेविंग, तो जितने लेवल बड़े लेवल पे हो सकते हैं आप फॉरेन सेविंग कीजिए, फॉरेन जो डेट्स हैं, फॉरेन जितने भी, देखिए इसे हम रीड आउट कर लेते हैं। डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी सप्लीमेंटेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज, एफर्ट शुड बी मेड टू गेट लोन्स ग्रांट एंड। अच्छा, तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। तो फॉरेन लोन जो है अगर हमें मिल रहे हैं, ग्रांट्स मिल रहे हैं, एड्स मिल रहे हैं फ्रॉम डेवलप कंट्रीज़, तो जितना भी हो सकता है आप लीजिए। तो फॉरेन कैपिटल का अगर फ्लो आपकी कंट्री में होता है, राइट, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि कई बार हमें देखने को मिलता है जो एक कंट्री है उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि जो अपने कंट्री का है बड़े लेवल पे वो डेवलपमेंट कर ले। तो इसके लिए होता क्या है कि उसे फॉरेन कंट्री से भी उसे एड लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लोन लीजिए, एड भी लीजिए, तो और इससे होगा क्या, बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट होगा। एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे रिडक्शन इन इनकम इन इक्वालिटीज़। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक मेजर इशू है कि इनकम इन इक्वालिटीज़ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर इनकम इन इक्वालिटीज़ नहीं देखने को मिल रही, दैट मीन्स कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है वहाँ पे हो रहा है। तो इनकम इन इक्वालिटीज़ हमने लास्ट स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इनकम इन इक्वालिटीज़ बेसिकली होता क्या है। तो एक कंट्री में जो एक जो पोर्शन है, कम्युनिटी जो बहुत अधिक रिच है और एक जो कम्युनिटी है बहुत अधिक पुअर है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि वहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। तो अगर इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है, उसमें कमी आ रही है, दैट मीन्स कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया कि अगर किसी अंडर डेवलप कंट्रीज़ में अगर कैपिटल फॉर्मेशन की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो है, तो उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमने वन बाय वन सब कुछ डिस्कस कर लिया। इंक्रीज इन डोमेस्टिक सेविंग के थ्रू कर सकते हैं, एक्सपेंशन इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, रूरल सेविंग्स हमने देखा, देन हमने डायरेक्ट टैक्सेस देखे, इनडायरेक्ट टैक्सेस देखे, सरप्लस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस देखा, रिडक्शन इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर देखा, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम देखा, प्राइस स्टेबिलिटी हमने देखी, लेस कंस्ट्रेंट टू प्रोडक्शन देखा, लिबरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट देखा, रिडक्शन इन कंजम्पशन देखा, इंक्रीज इन फॉरेन सेविंग्स देखी, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटीज देखी। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट्स जो हैं एक अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आई होप मैं इसे अच्छी तरह से समझाने में कामयाब रहा हूँगा। तो आपको अगर समझ लगा, कहीं पे अगर डाउट है, तो प्लीज़ डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, आस्क अस, हमें बताइए कि कहाँ पे हमने गलतियाँ करी, या फिर कहीं भी इम्प्रूवमेंट की अगर आपको ज़रूरत लगती है कि यहाँ पे है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस हैं, ये पूछ सकते हैं एग्जामिन द रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए
18 मार्क्स का क्वेश्चन ही हो सकता है या फिर दो क्वेश्चन हो सकते हैं 9-9 मार्क्स के। तो हमने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो कितने मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने कैपिटल फॉर्मेशन की मीनिंग बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन का हमने मीनिंग ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद इसके रोल क्या हैं, इसके रोल क्या हैं अभी अभी हमने डिस्कस करा, राइट। इसका क्या होगा, इसके जो हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी वो हमने यहाँ पे लिख देना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या है, व्हाट मेजर वुड यू सजेस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन डेवलपिंग कंट्री। तो कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन देते हुए, इसकी मीनिंग्स बताते हुए, इसके टाइप्स प्रोसेस बताते हुए, अभी जो हमने जो डिस्कस करा कि कौन कौन से मेजर्स हैं वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल जितने भी व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन, एग्जामिन द रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये क्वेश्चन जो है हमेशा ये रिपीट होंगे। तो हमने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट 10 to 15 लाइन्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद एट लीस्ट 7 पॉइंट्स। तो कॉज ऑफ लो कैपिटल फॉर्मेशन, तो क्यों कैपिटल फॉर्मेशन की रफ्तार है वो धीमी होती है अगर हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें। तो हमने ये सभी कुछ डिस्कस कर लिया। डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी, मेंशन 4 कॉजेज फॉर लो कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये हमने सब कुछ ये डिस्कस कर लिया। तो इसके साथ ही हम इस लेक्चर के अंत में आ चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।